बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलोस किचन। आज हमने वनीला आइसक्रीम बनाई है। आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। हम अपनी चिल्ड क्रीम इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको सॉफ्ट पीक होने तक हम अच्छे से व्हिप करेंगे। स्लो से स्टार्ट करेंगे और फिर हाई पे लेके जाएंगे। ये हमारी क्रीम व्हिप हो गई है, ये देखें। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये व्हिप हुई हुई क्रीम हम एक बोल में निकाल लेते हैं। अब इसी में हम अपना चिल एवोपरेटेड मिल्क भी ऐड कर देते हैं और उसको भी थोड़ा सा व्हिप कर लेते हैं। ये व्हिप करने से अपने साइज से ज़्यादा हो जाएगा। अब हम इस एवोपरेटेड मिल्क में कंडेंस मिल्क ऐड करके इसको दोबारा व्हिप कर लेंगे। ये मिक्स हो गया हमारा एवोपरेटेड मिल्क और कंडेंस मिल्क। अब हम जो है ये अपने व्हिप क्रीम में फोल्ड करेंगे। जेंटली ये सारा बैटर, ये हमारी बेसिक आइसक्रीम रेडी है, जिसे आप कह सकते हैं कि वनीला आइसक्रीम। तो ये हमारा बेसिक जो है वो रेडी है। इसको जेंटली फोल्ड कर लें। आप इसमें बस वनीला एसेंस डाल के फ्रीज कर दें तो ये आपकी वनीला आइसक्रीम रेडी है। मज़ेदार सी वनीला आइसक्रीम तैयार है। इसे ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक दें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें अपडेट्स के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।